हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। एक ना ऐसे दिग्गज कलाकार हुए जो कि उनका नाम भी काफ़ी अच्छा था, मनोज कुमार सर। और अगर हम बात करें उनकी कुछ मूवीज़ की, तो उनको देशभक्ति गाने या फिर देशभक्ति मूवीज़ के लिए जाना जाता था उस टाइम पे। और आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो उनके कुछ ऐसे गाने हैं जिनको कि अभी भी सुना जाता है देशभक्ति के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा, हालांकि आप उसको फोबिया तो नहीं बोल सकते। फोबिया एक्चुअल में होता है कि आपको किसी चीज़ से डर लगना, वो एक आपके अंदर होता है। जैसे कि मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, पानी से डर लगता है कुछ लोगों को। तो वैसे ही उनको थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो, डर तो नहीं लगता था, लेकिन एक्चुअल में कुछ साइड इफेक्ट थे। एक बार क्या हुआ, पूरब और पश्चिम की शूटिंग होनी थी, और एक जो शूट है वो ब्रिटेन में फिल्माया जाना था। अभी मनोज कुमार को ब्रिटेन पहुंचना था, लेकिन उन्होंने एरोप्लेन के लिए मना कर दिया, क्योंकि उससे पहले एक दो बार उन्होंने जब सफ़र किया था तो उससे कुछ साइड इफेक्ट हुए थे। जैसे कि उनका जो चेहरा है उस पर दाने वगैरह हो जाते थे, गर्दन पे पिम्प, आप दाने बोल सकते हो, घमौरियाँ बोल सकते हो, या फिर कोई एलर्जी टाइप में कुछ हो गया था, जिसके चलते एक दो जो गाने थे या फिर जो मूवीज़ में जो कुछ उन्होंने सीन किए थे उसके लिए उन्होंने या तो चेहरा छुपाया था, या फिर आप बोल सकते हो गर्दन को साफा मार के ढका हुआ था। तो इसके लिए पूरब और पश्चिम के लिए एक ना शूट जो था वो ब्रिटेन में होना था, और उन्होंने एक ऑप्शन चुना, वो भाई साहब शिप से गए, पानी वाले जहाज़ से वो जो है वो पहुंचना था उनको ब्रिटेन। टीम को पहले ही पता था कि भैया हमको तो उस दिन पहुंचना है। तो मतलब बताया ये जाता है, मनोज कुमार अपनी टीम के साथ शूट वाले दिन से लगभग 1-1.5 महीने पहले ही निकल गए थे इंडिया से। और उसके बाद में जब वो शूट ख़त्म हुआ, वहाँ से जब वो आए थे तो भी यही कांड हुआ था। तो मतलब आप बोल सकते हो कि एक ऐसा एक्टर या फिर एक ऐसा दिग्गज कलाकार जो कि अवॉइड करते थे ऐसा कुछ। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक लगती है। तो अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।